एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो ये सैमसंग का 24 इंची का एलईडी है, तो इसमें देखिए कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, इसको मैंने ओपन कर लिया है। ठीक है, तो इसका अंदर का जो व्यू है ये है, पावर पीसीबी है और ये मैन पीसीबी है। तो इसमें चलिए प्रॉब्लम क्या है वो देखेंगे। तो इसमें दोस्तों ये मीटर भी मैंने लगा लिया है आप लोगों को जैसे अच्छे से दिख जाए। ठीक है, इसमें पहले हम पावर का कनेक्शन देखिए ये कर दिया है और ये स्विच ऑन कर दिया है। ठीक है, स्विच ऑन करने के बाद में देखिए इसका इंडिकेटर भी मैंने खोल लिया है, इसमें कोई भी रेड इंडिकेटर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये रेड इंडिकेटर नहीं आ रहा है। मेरे चैनल पे एक और वीडियो है, आप लोग देख सकते हैं, उसमें रेड इंडिकेटर पूरा जला हुआ है, वो वाला वीडियो एक मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो इसमें कोई भी इंडिकेटर नहीं आ रहा है, तो ये पूरा वीडियो आप लोग देखिए, उससे आप लोगों को बहुत सारा ये जितने भी ये पीसीबी है ये आप ठीक से एकदम परफेक्ट मतलब ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो मीटर हम ऑन कर लेते हैं, 20 के रेंज में लगा लेते हैं। ठीक है, और ये ग्राउंड में लगा ही चुका हूँ, तो अभी देख लीजिए मीटर को। मीटर पे आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हमको इस जगह पे ये जो कॉइल है इस जगह पे 5 वोल्ट चाहिए इस जगह पे। ठीक है, तो हम इस जगह पे लगाते हैं, देखते हैं कि इसमें 5 वोल्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो ये देखिए इसमें 5 वोल्ट बन रहा है, 5.47 दिखा रहा है। ठीक है, तो इसके बाद में ये जो दो रेगुलेटर है इन पे हमको सप्लाई चाहिए। तो ये देखिए इस पे आपका 1.8 वोल्ट बन रहा है, एकदम परफेक्ट है, ओके, कोई परेशानी नहीं है। इस जगह पे हमको 3.3 वोल्ट चाहिए, ये भी 3.3 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, इसके बाद में हमको ये जो आईसी है ये तो इधर में 5 वोल्ट बना ही रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो ठीक ही है। और ये जो आईसी है इसमें हम देखते हैं कि इनपुट इसमें 5 वोल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसमें मैं लगा रहा हूँ, हम देखिए इसमें कोई भी वोल्टेज शो नहीं कर रहा है। ठीक है, इसमें देखिए इनपुट 5 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, और इसमें आउटपुट होना चाहिए 3.3 वोल्ट इस जगह पे, तो इसमें दिखा रहा है देखिए 0.56 ऐसा वोल्टेज आ रहा है। तो ये जो वोल्टेज है, ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज आपके ये जो ये आईसी है इस जगह पे आता है, ये फ्लैश आईसी बोलते हैं इसको। तो देखिए ये फ्लैश आईसी में कोई वोल्टेज नहीं है, 8 नंबर पिन पे 3.3 वोल्ट आना चाहिए, तो इसमें कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। ठीक है, देखिए 0.50 ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, और इसका इस जगह पे 1.2 वोल्ट आना चाहिए इस जगह पे, देखिए 1.2 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, ये 1.2 वोल्ट आ रहा है, और इस जगह पे देखिए दो रेगुलेटर लगा हुआ है, इस जगह पे वोल्टेज जो आना चाहिए, एक वोल्टेज तो आपका इसमें देखिए 5 वोल्ट तो इन हो रहा है। ठीक है, तो इधर में आपका आउटपुट में देखते हैं कितना वोल्ट आ रहा है, आउटपुट में 1.8 वोल्ट बन रहा है ये वाला आईसी। ठीक है, ये वाला आईसी, और इस जगह पे देखिए इस जगह पे 5 वोल्ट इसका इनपुट हो रहा है और इसका आउटपुट ये वाला पिन है, इसमें भी 3.3 वोल्ट बन रहा है, मतलब इधर में कोई भी हमारा दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमारा दिक्कत कहाँ पर है, आप लोगों को जब मैं वोल्टेज चेक करा रहा था तो आप लोगों को शायद पता चल गया होगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। ये जो हमारा ये आईसी है, ये जो आईसी है, ये आईसी थोड़ा हीट भी हो रहा है, हीट बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, उंगली को ज़्यादा देर में रख नहीं पा रहा हूँ इसके ऊपर में। ठीक है, तो ये 3.3 वोल्ट नहीं बन रहा है, तो हम इस आईसी को पहले चेक करेंगे और इस आईसी पे 3.3 वोल्ट में कोई शॉर्टिंग वगैरह है या कुछ है वो पहले हम लोग एक बार चेक कर लेंगे, और उसके बाद में ये आईसी हम रिमूव करके दूसरा आईसी लगा देंगे। तो आपके पास में अगर नया आईसी है तो लगा दीजिए, मेरे पास में फिलहाल में आईसी है तो वही मैं लगाऊंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे लगाना है, क्या करना है, नहीं करना है। ठीक है, आप वीडियो में पूरा बने रहिए, मैं कैमरे को तो स्टैंड कर दोस्तों लेता हूँ। ये मैंने स्टैंड कर दिया कैमरे को, और एक और चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था।
वो शॉर्टिंग के बारे में बता रहा था, वो दिखाना चाह रहा था। तो मीटर को आप देखिए, इस जगह पर मैं लगा लेता हूँ, इस जगह पर, ठीक है। तो ये मैंने इसका जो वो है उसको मैंने ग्राउंड कर दिया, ठीक है। और देखिए ये जो है शॉर्टिंग शो कर रहा है, ठीक है। तो हम इस आईसी को चेंज करेंगे, ये वाले आईसी को। तो उससे पहले हम एक बार देख लेते हैं। देखिए इसका मैंने पीसीबी का वायर, जो सप्लाई वाला वायर है, उसको मैंने खोल दिया एक बार। और आप लोगों को एक चीज़ और दिखाना है मेरे को, ये देखिए इसका बैकलाइट जल जाता है। ये आप थोड़ा एक बार ध्यान दीजिएगा कि इसका बैकलाइट जल रहा है नहीं जल रहा है, ये पावर, ये जो पावर का कनेक्शन है इसको खोलने के बाद में, ठीक है। तो अभी इसको आईसी को चेंज करेंगे, तो मैं कैमरे को ठीक, तो पहले हम इसका जो पेस्ट है उसको लगाएंगे। पेस्ट लगाने से जल्दी से ये आईसी निकल जाएगा, ठीक है। तो ये पेस्ट मैंने लगा दिया है, और ये जो सेम नंबर का आईसी है उसका मैं आप लोगों को पिक निकाल के दे दूंगा, ठीक है। तो आप लोग उसमें देख लीजिए। मैं दूसरा जो आईसी है रेडी करके रखा हूँ, जो आईसी मैं लगाऊंगा, ठीक है। ये जो आईसी है इसको मैं लगाऊंगा, ये वाला, ये जो आईसी है इसको मैं लगाऊंगा, ठीक है। तो अभी मैं ब्लोअर अपना चालू कर लेता हूँ, और चालू करने के बाद में हम इसको ऑन करने के बाद में इसको हम हीट देंगे। तो ध्यान रखिएगा पास का जो भी रेजिस्टेंस और पीएफ है वो नहीं निकल जाए, वो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप लोगों को ठीक से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, तो हम थोड़ा सा कैमरे को घुमा लेते हैं, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं तो आपको पता चलेगा। यहीं से देखिए दोस्तों, तो इसको मैं हीट करके निकाल लेता हूँ। तो जो मेरे पास में आईसी है वो लगा दूंगा, वो मैंने निकाल दिया है हीट करके, ठीक है। तो इसको ऐसे बैठा देना है हमको, और एक बार हल्के हल्के से हीट कर देना। कैमरे में मैं कैसे दिखा पा रहा हूँ, मेरे पास में अभी कोई है नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही काम करना पड़ेगा। पहले आप थोड़ा सा इधर में हीट कर दीजिए और आईसी बैठा दीजिए, इससे अच्छा रहेगा। ये देखिए मैंने हीट कर दिया है और आईसी को ठीक से बैठा दिया है, थोड़ा थोड़ा करके हीट दे देंगे। ये लगाने के वक्त में आप छोटे आयरन से भी लगा सकते हैं, इससे लगाना है ऐसा कोई बात नहीं। और इसको हम लगाने के बाद में इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और उसके बाद में ऑन कर देंगे, ठीक है। तो ये मेरा आईसी फिक्स हो गया, ब्लावर को हम चलने देंगे थोड़ा। ये देखिए ये आईसी फिक्स हो गया, तो इसको हम, आपके पास में अगर थिनर है तो आप इससे थोड़ा सा साफ कर सकते हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा थिनर लेके, और आपके पास में रुई अगर होगा तो रुई से आप थोड़ा सा साफ कर दीजिए, तो कोई भी शॉर्टिंग वगैरह नहीं होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसमें वीडियो लंबा होगा क्योंकि एकदम लाइव करने से थोड़ा सा दिक्कत होता है, बहुत ही हीट हो गया, एकदम पड़ पड़ करके आवाज़ आ रहा है जब मैं थिनर लगा रहा हूँ, ठीक है। इतना हीट है, थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे उसके बाद में इसको ऑन करेंगे, क्योंकि कोई भी दिक्कत नहीं हो, काम बन जाना चाहिए हमारा। थोड़ा सा पंखा हम चला देंगे, इसका फेयर किधर में है, ये तो थिनर है ना, ये थिनर ढक के रख दे रहा हूँ। वीडियो कैसा दिख रहा है, तो हम एक बार पहले इसको
ठंडा होने से हो होते होते इसको हम एक बार इसका शॉर्टिंग चेक करेंगे। ठीक है, तो शॉर्टिंग चेक करने के लिए देखिए मीटर पे आप ध्यान रखिएगा, मीटर आपको ठीक से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है, तो ये शॉर्टिंग हम चेक करेंगे, फिर एक ग्राउंड से लगाएंगे और 3.3 जो पॉइंट है उस पॉइंट पे हम लगाएंगे। तो इस जगह पे देखेंगे कि शॉर्टिंग है या नहीं है। तो ये दोस्तों शॉर्टिंग शो कर रहा है, मतलब ये आईसी शॉर्ट और कुछ भी इसमें हो सकता है कि शॉर्ट हो। तो आईसी तो मैंने लगा दिया इसमें, तो कहाँ पर शॉर्टिंग है वो थोड़ा हम लोगों को ढूंढना पड़ेगा। ये पीएफ भी शॉर्ट हो सकता है, इस जगह पे पीएफ है, और इसका जो फ्लैश आईसी है ये भी शॉर्ट हो सकता है। तो हम पहले एक बार फ्लैश आईसी को हटा के एक बार देख लेंगे, अगर फ्लैश आईसी शॉर्ट है या और कुछ शॉर्ट है। इसमें लाइन में शॉर्टिंग दिखा रहा है, ठीक है, शॉर्टिंग अगर दिखाएगा तो उसका सप्लाई नहीं बनेगा। ठीक है, तो आईसी तो हम चेंज कर दिए शॉर्टिंग के वजह से, तो एक बार हम पावर का कनेक्शन करके देख लेते हैं। ये इंडिकेटर है, ठीक है, देखिए आप, और इसको हम पावर का ये कनेक्शन हम एक बार कर लेते हैं, और इसको हम पावर का स्विच दिए हैं, कोई भी लाइट ब्लिंक नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कहीं पे शॉर्टिंग है। तो हमको थोड़ा वो शॉर्टिंग ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पर है। तो वीडियो में आप लोग बने रहिए, हम शॉर्टिंग ढूंढ के आप लोगों को बताते हैं एक बार, ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो आईसी है इसको मैंने चेंज किया, ठीक है, तो चेंज करने के बाद में भी शॉर्टिंग इसका जा नहीं रहा है। और इस जगह का देखिए, ये मैंने इसको भी इसको पीएफ है इसको भी हटा दिया है, तो इससे भी काम नहीं बन रहा था। और इसका जो फ्लैश आईसी है इसको भी मैंने हटाया, तो उसको हटाने के बाद में देखे कि इसका मेन चिप ही शॉर्ट है। तो मेन चिप इसलिए शॉर्ट है तो हम मेन चिप को चेंज नहीं करेंगे। पूरा मेरे पास में दूसरा पीसीबी है वो भी खराब पड़ा हुआ है। तो इसमें देखिए, इसमें क्या था, इसका जो 5 वोल्ट है ना, मैं जब बताया था आपको ये जो पीसीबी का ये जो 5 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट नहीं बन रहा था, तो इसका इस जगह से आईसी निकाल के और इस जगह पर लगा दिए। तो ये बोर्ड मेरा अभी रेडी हो गया है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे इस बोर्ड को लगा लेंगे, क्योंकि इसको लगाएंगे फिर और कहीं पे कुछ शॉर्टिंग वॉर्टिंग वगैरह निकला तो हम लोगों को फिर दोबारा दिक्कत आ जाएगा। तो एक बार चेक करा के दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है, तो ये कैसे शॉर्ट है या नहीं है। ठीक है, तो हम इस जगह पे अब ग्राउंड एक ले लेते हैं, इस जगह से तो ग्राउंड ले लिए हैं, और मीटर को थोड़ा पास में कर लेते हैं। तो ये ग्राउंड इधर में रुक जाएगा, ठीक है, हमारा थोड़ा सा प्रॉप को ठीक कर लेते हैं, तो मैं दिक्कत दिखा रहा है, ठीक है। तो अभी एक बार इधर से हम चेक कर लेते हैं, इसको 0 पे कंटिन्यूटी में लगा लेते हैं। तो कंटिन्यूटी में लगा लिए हैं, कंटिन्यूटी में लगाने के बाद में देखिए इस जगह पे शॉर्टिंग शो कर रहा है, 3 ओम्स के आसपास में शॉर्टिंग शो कर रहा है। और इस जगह पे देखिए, इस जगह पे भी शॉर्टिंग शो कर रहा है, मतलब ये चिप ही शॉर्ट है। तो चिप हम नहीं चेंज करेंगे, ठीक है, हम दूसरा पीसीबी हमारे पास में था तो इसमें से हम ये आईसी निकाल के इस जगह पे इस पीसीबी में लगा दिए हैं। तो आप लोगों को एक बार मैं पिक्चर विक्चर दिखा देता हूँ, इसको थोड़ा सेट कर लेता हूँ, वो तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसको मैंने पूरा एकदम परफेक्टली सब कुछ कनेक्शन कर दिया है, और इसका इंडिकेटर हमारे हाथ में ही है, तो हम एक बार इसमें पावर का कनेक्शन देंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको देखते रहिए कि इसमें लाइट कोई जल रहा है नहीं जल रहा, तो मैं पावर का कनेक्शन दे रहा हूँ दोस्तों, ये दे दिया। तो देखिए ये रेड लाइट आ गया, और इधर से हम देखेंगे कि बैक लाइट भी जल गया और उसका साउंड भी आ गया, तो हम इसको इधर में ही लगा देते हैं। तो ये लॉक सिस्टम है दोस्तों, तो ये लग गया। अभी इसको हम सीधा करके दिखा देते हैं, ये सैमसंग का 24 इंची का है, तो देखिए ये इसका लोगो आ गया है, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए।